हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुक विद अंबिका में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी को मेरी सारी रेसिपी पसंद आ रही हो और आशा करती हूँ कि आगे भी मैं जो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोग उस रेसिपी को भी काफ़ी पसंद करेंगे। तो चलिए, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही खास लगने वाली है। तो चलिए, आज मैं इस रेसिपी की खास कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप सभी इस रेसिपी को जरूर पसंद करेंगे। तो आज की जो मेरी खास रेसिपी है वो है दही बड़ा चाट। अगर हम लोग दही बड़ा चाट घर पे ही बनाएं तो आप लोग शादी में दही बड़ा चाट खाना भूल जाएंगे। आप एक बार ज़रूर मेरी इस रेसिपी को विदाउट स्किप किए पूरा देखिए, आपको ये रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं हमारी दही बड़ा चाट की मेकिंग की किस तरीके से हम इसको आसान टिप्स के साथ तैयार कर सकते हैं। दही बड़ा चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा दाल। दाल में उड़द की दाल और मूंग की दाल हमें चाहिए। उड़द की दाल की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग मूंग की दाल उसके हाफ क्वांटिटी में आपको लेना होगा। अब हम दाल को भिगोने के लिए रख देते हैं। दाल को कम से कम 2 घंटे तक भिगो कर रखें जिससे ये अच्छे से फूल जाए। ध्यान रहे, उड़द की दाल और मूंग की दाल को अलग अलग बर्तन में ही भिगोएं। अब इसको भिगाने के लिए रख दें। आप देख सकते हैं, हमने दाल को 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। दाल अच्छे से भीग चुकी है। ये हमारी उड़द की दाल है और ये हमारी मूंग दाल की दाल है। अब हमें इस दाल का अच्छे से पेस्ट बनाना। ध्यान रखें, आप उड़द की दाल को अलग पेस्ट बनाएं और मूंग की दाल को अलग पेस्ट बनाएं। इसको आप मिक्सर फेंटते टाइम कर सकते हैं। दाल का पेस्ट अच्छे से बन चुका है। दाल के पेस्ट में थोड़े से चॉपिंग अदरक डालें, साथ ही थोड़ा सा जीरा डालें जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसको मिक्स कर दें। ध्यान रहे, जब हम इसको मिक्स कर रहे हो तब हम इसे सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही घुमाते रहें जिससे कि इसके अंदर काफ़ी हवा भरेगी और ये काफ़ी लाइट वेट हो जाएगा जिससे हमारे दही बल्ले काफ़ी अच्छे बनेंगे। आपको कैसे पता ये लगेगा कि ये पेस्ट हमारा अच्छे से बन चुका है? तो इसका मेजरमेंट मैं आपको ज़रूर अभी बताऊंगी। दही बल्ले का मेजरमेंट लेने के लिए एक कटोरे में पानी लें। अब इस पेस्ट को हल्का सा इसमें डालें। अगर ये ऊपर पानी में तैरता रहे तो समझ लीजिए हमारे दही बल्ले फ्राई करने के लिए एकदम तैयार है। ध्यान रहे, भल्ले को आप धीमी आंच पर ही पकाएं क्योंकि अगर हम तेज आंच में इसको पकाएंगे तो ये जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। अगर हम धीमी आंच पर पकाते हैं तो धीरे धीरे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और साथ ही साथ अंदर से भी ये अच्छे से पक जाएगा और बहुत सॉफ्ट होगा। पानी के टेम्परेचर को आप चेक कर लीजिएगा। पानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आप यूज़ करेंगे। उसमें आप थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। हींग से इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आएगा।
अब आप ये सारे वड़े को पानी में भिगोने के लिए रख दीजिए 5 से 10 मिनट तक। जब तक हमने भल्ले भिगाने के लिए रखे हैं तब तक तैयार करते हैं हम दही भल्ले चाट में यूज़ होने वाली लाल चटनी। तो रेड चटनी बनाने के लिए सबसे पहले गर्म पानी में ले लें आप इमली। आप इमली अपने अकॉर्डिंग ले जितनी आपको चटनी की क्वांटिटी रखनी है। अब आप इसमें ऐड करें 1 स्पून रेड चिली पाउडर, साथ ही इसमें थोड़ा सा आप चीनी लें। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार लें जितना आपको उसमें मीठा चाहिए। अब इसमें एक सीक्रेट मसाला है जो दही वड़ा चाट की जो रेड चटनी है उसका टेस्ट को 4 चांद लगा देंगे, वो है हमारा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप साबुत जीरे को थोड़ा सा रोस्ट करके उसका पाउडर बना लें। जीरा पाउडर डालना रेड चटनी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देख सकते हैं आप लोग हमारी चटनी काफ़ी ठीक हो चुकी है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। अब हमें बस इसे 1 मिनट और पकाना है। तो देख सकते हैं आप हमारी रेड चटनी काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। आप इसको छान करके ऐसी चटनी बना सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख लीजिए। चाट के लिए हमें हरी चटनी बनाने के लिए चाहिए होगा टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया और 1 चम्मच दही। दही हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसका कलर काला ना हो जाए, धनिया का जो ग्रीन कलर वो ग्रीन ही रहे और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। हमारी दही वड़ा की रेसिपी तैयार हो चुकी है जो दही वड़ा चाट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सामग्री है। अब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे दही वड़ा चाट की मीठी दही तैयार कर रहे हैं।
तो देख सकते हैं आप लोग हमारा दही वड़ा चाट एकदम तैयार है। तो आप लोग भी मेरी वीडियो को देख करके ज़रूर इस रेसिपी को तैयार करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में जो आप लोगों के लिए काफ़ी खास होगी।